हमारी मांग है स्कूलों में संविधान पढ़ाए जाएं ताकि लोग बागों को अधिकार अपना मालूम हो, अधिकार मालूम हो। धर्म कलम जो हमारा था 1941 तक जो सरकार एक साजिश के तहत खत्म कर दिए, उसी को फिर से ट्राइबल कलम लागू करने के लिए हम पूरे भारत से आदिवासी समाज जंतर मंतर को उपस्थित हुए हैं, क्योंकि जल और जंगल और जमीन के रक्षा करता है आदिवासी, और आदिवासियों के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। आज भी आदिवासियों को हिंदू कुरान में परिणत कर रही है। इसलिए हम पूरे भारत के आदिवासी समाज से जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं, और हमारा धर्म कलम जो था उसको फिर से लागू करना होगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 आदिवासी की पहचान है, 342 के तहत आदिवासियों का अलग अलग पहचान, आदिवासियों पर हिंदू कोई बिल कोर्ट बिल लागू नहीं होता, मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट लागू नहीं होता, इंडियन सक्सेशन एक्ट या ईसाई एक्ट हम आदिवासियों पर लागू नहीं होता। संविधान ने हमें इन सभी धर्मों से हमें अलग माना है। धर्म पूर्वी संस्कृति यानी प्राकृतिक पूजक है। हम संविधान ने हमें इन सभी धर्मों से अलग माना है। 1947 से पूर्व हमारी जो जनगणना होती थी वो जनगणना प्राकृतिक पूजक मानक के रूप में होती थी। 1941 हमारी जो जनगणना हुई है वो प्राकृतिक पूजा के रूप में हुई है। आर्टिकल 13(3)(क) के तहत विधि के बल रखने वाली रूढ़िगत प्रथा को कस्टम लॉ लागू है। इसलिए सरकार जो हमारी धर्म पर कलम जो एक्ट था जो 1941 तक था, सरकार फिर से हमारे धर्म कलम कोड को लागू करे, क्योंकि जल और जंगल जमीन की रक्षा करता है आदिवासी। आदिवासियों के साथ सरकार ये खिलवाड़ कर रही है और हिंदू कुरान में हमारे समाज को विलुप्त कर रही है। इसलिए हमारे पूरे भारत के आदिवासी समाज जय जवाहर का नारा है, भारत देश हमारा है, अभी ये अंग्राई है, आगे और लड़ाई है। ट्राइबल कलम लागू करो, लागू करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, खाली करो। जय जवाहर का नारा है, भारत देश हमारा है। सरकार तुम जितनी कोशिश कर लो हमारा धर्म कोड तुमको आपको लागू करना ही होगा, करना होगा, ट्राइबल कलम लागू करो, लागू करो। यदि सरकार हमारी बात नहीं मांगती है, हमारी 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 कलम धर्म कोड कलम को वापस नहीं करती है, तो हम हर जगह से अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ उपस्थित होंगे। इसलिए मैं हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो मेरा जो धर्म कलम था उसको फिर से लागू किया जाए, ये हमारी मांग है। ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, ठीक है, और अभी भी आप सताए रहे हैं, तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बोल रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोल रहे हैं कि अरे अभी तो सोच लीजिए कि आपके पूरे भारत में हर कोने कोने में हम सब आदिवासी लोग हैं। पहले से तो आप सता ही रहे हैं, अभी आप सता रहे हैं, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? जितने भी हमारे आदिवासी भाई लोगों को हक कहाँ मिल रहा है, ना स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, कोई भी नहीं। अगर कोई भी दे रहे हैं सिर्फ लिखित में दे रहे हैं, एकदम गलत बात है। हम लोगों को ना स्वास्थ्य मिल रहा है, ना शिक्षा, ना सुरक्षा। अगर शिक्षा मिल जाता ना, शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो ST जो कॉलम क्यों नहीं लागू करेंगे, जब लागू आप नहीं करेंगे तो हमको मौका दीजिए और आपको दिखा देंगे, मात्र 100 दिन में दिखा देंगे कि आदिवासी की पहचान क्या है, कहां से है और वो कितना आगे हद तक जा सकते हैं। वापस धर्म कोड को लागू करवाने के लिए हम सब यहां आए हैं और हमारी कई समस्याएं भी है। भारत सरकार से जो प्रधानमंत्री आवास योजना और खाद्य सूची गेहूँ वगैरह जो मिलते हैं, हमारे वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो लागू होता है उनके लिए लागू होता है। जो राजनेताओं के घर में काम करने वाले होते हैं उनको ये आवास वगैरह उनको ही दिए जाते हैं। ओरिजिनलिटी गरीब जो है, वो झोपड़ी में बसने वाले हैं, उनके अभी तक कोई न तो मकान बना है, न उनको बिजली की सुविधा मिली है और न ही कुछ भी मिला है। और हमारे बच्चे के साथ भी 23 तारीख को कातिलान हमला किया था, उसके लिए मैं थाने में रिपोर्ट लेके गया था, तो मेरी रिपोर्ट पुलिस थाना बालोतरा में फेंक दी गई। और फेंकने के बाद में मुझे कहा कि भाई ये सुनवाई नहीं होगी, तुम उस पार्टी से राजीवा कर लो। और कातिलान हमला करने वाले 20 से 25 लोग थे, उन लोगों के खिलाफ कोई कानून, ऐसा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। सिर्फ 3 लोग फॉर्मेलिटी के तहत गिरफ्तार करके उनको हाथों हाथ जमानत पर उसको छोड़ दिया गया। मगर ST का जो मुकदमा होता है, मेरे बच्चे को पैसा भी पिलाया मारपीट करके, मूत्र भी पिलाया, और मूत्र पिलाया, शराब पिलाया,
उसके बाद में वो घायल हुआ, तब वो हमलावर छोड़ के भाग गए। उसके बाद में पुलिस वहाँ पहुँची तो धारा 510 के 10 के तहत उल्टा मेरे बच्चे को गिरफ्तार किया। आज वर्तमान की स्थिति में हम लोगों को धर्म कालम की स्थिति हिंदू में गिना जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है हमको एक लाइन में बोल चुका है, निर्देश कर चुका है, वहाँ आदेश जारी कर चुका है, मान चुका है हाईकोर्ट जो है एक आदिवासी जो हिंदू नहीं है। जब आदिवासी हिंदू नहीं है ये जो कोर्ट कहता है, तो उस स्थिति में हमको हिंदू के कैटेगरी में, हिंदू के धर्म कालम में या हिंदू धर्म में क्यों लिखा जाता है? ये जितने भी नेंग दस्तूर का काम जो है अपनी ही कम से कम मातृशक्ति ही करती है, तो हम लोग प्रतिक्रिया नहीं मानने वाले हैं। हमारी देव देवस्था जो है एक मूर्ति की पूजा नहीं करते। आज भी वर्तमान में हम अपने देव जो है धरती को, आकाश को, वायु को, ये पांच तत्वों को मानने वाले हैं। तो हमारा जो अलग है ऑलरेडी, आज भी अलग है, कल भी अलग है, परसों भी अलग रहेगा। हिंदू राष्ट्र बनाने की जो भाजपा सरकार जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उसका विरोध करते हुए वहाँ की जो जनगणना में जो जनसंख्या जो 85% था वो यदि 60% आता है, कब पता चलेगा कि आदिवासी की जो ताकत क्या है? कभी भी जनगणना हो तो हमारे आदिवासी धर्म के हिसाब से हमारी सर्वे हो, हमारी जनगणना हो। चूँकि इसके पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन ये धर्म रहे हैं और हमारे तमाम आदिवासियों को विलुप्त कर दिया गया है, लुप्त कर दिया गया है। मजबूरी में हमें किसी भी धर्म में टिक लगाना पड़ता है। कभी भी जब कोई विज्ञापन निकलता है, वैकेंसियाँ निकलती हैं, आवेदन फॉर्म भरने पड़ते हैं, तो हमें मजबूरी में किसी न किसी धर्म में टिक लगाना पड़ता है। वैसे अभी तक हमारा आदिवासी धर्म हिंदू धर्म में समाहित रहा है, क्योंकि अभी तक अंग्रेजों के शासन में तो हमारा धर्म अलग था। अंग्रेजों के शासन के बाद भी हमारा धर्म अलग था, आदिवासियों का धर्म अलग था। लेकिन उसके बाद ये सत्ता में जो सरकारें आते गए हैं, ये हमको हिंदू में समाहित तो कहीं ईसाइयों में समाहित कर दिया गया है। हमारा धर्म कालम कोड ना होने के वजह से मजबूरी बस किसी न किसी टिक में लगाना पड़ गया। अब हम आंदोलन करेंगे, रैलियां निकालेंगे, जुलूस करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, क्रांति आंदोलन करेंगे, रोड में उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे, तब जाके हमें कामयाबी मिलेगी, ऐसा हमारा मंसूबा है और हमारा कर्तव्य है। हमारा ये मांग करना हमारा एक फर्ज है, क्योंकि इस देश के जल, जंगल, जमीन के मालिक हम आदिवासी लोग हैं। इस देश में अनंत काल से वास करने वाला आदिवासी हम हैं। सबसे पहले इस देश में आदिवासी लोग ही पैदा हुए हैं। जब इस सृष्टि की रचना हुआ, पृथ्वी का आविष्कार हुआ, तब से आदिवासी हैं, इसीलिए आदिवासी कहा गया है। और हमारे लिए संविधान में भी अनुच्छेद है, हमें स्पेशल बजट है, धारा 1955 पैरा 2 के मुताबिक हम हिंदू नहीं हैं, हम आदिवासी हैं, हम प्रकृतिवादी हैं, हम प्रकृति पूजक हैं, जैसे भगवान कहा गया है। हमारी मांग है स्कूलों में संविधान पढ़ाए जाएं, ताकि लोग बागों को अधिकार अपना मालूम हो, अधिकार मालूम हो, तभी तो आदिवासियों का विकास होगा, कल्याण होगा, उद्धार होगा। कोल भाषा से ही तमाम भाषा उत्पन्न हुए हैं, उनके कार्बन कॉपी हुआ है, कार्बन कॉपी मतलब उससे निकल के आए हैं। सभी भाषाओं के मालिक है, सभी भाषाओं की माता है कोल भाषा। आदिवासियों को अलग धर्म कोड की मांग को लेके पूरे भारत के आदिवासी इकट्ठा हो रहे हैं और ये मांग लगातार पूरे भारत के आदिवासियों की मांग चल रही है। और अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के तत्वावधान में आज ये कार्यक्रम रखा गया था और अंबेडकर भवन से लेके जंतर मंतर के मैदान तक हम लोग पैदल यात्रा करते हैं। और खासतौर पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कभी नहीं चाहती कि आदिवासियों का उत्पीड़न बंद हो और लगातार शोषण करने वाली सरकार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।